Hey guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपने कास्ट आयरन के किचन के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें प्रॉपरली हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनकी जो लाइफ हो वो लॉन्ग हो। तो इसके बारे में मैडम हमें डिटेल बताएगी, बताइए मैडम। तो कास्ट आयरन वैसे ही जो प्रोडक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब आपने एक बार खरीद लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ आपको उसको मेंटेन करके मैनेज करके रखना होता है। तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप कास्ट आयरन का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, नॉर्मल स्क्रबर जो होता है उसी से वॉश कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल जैसे मार्केट से लेके आते हैं, अगर आपको लग रहा है उस पर कुछ जंग है कुछ है, उसको स्क्रब से अच्छे से आप हटा सकते हैं स्टील स्क्रब से, बट अवॉइड करिए थोड़ा स्टील स्क्रब यूज़ करना। नॉर्मल स्क्रब लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करिए विम लिक्विड डाल के, उसके बाद उसको हाई फ्लेम पे हीट करिए अच्छे से गैस पे। जब आपको पूरा वो पानी उसका चला जाता है ना, उसको थोड़ी देर और एक दो मिनट और छोड़िए और उसके अंदर ना ऑयल डालिए बहुत सारा। सबसे क्विक एंड ईजी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उसमें ऑयल डाल के उस प्रोडक्ट में 5-6 बार ना आप कोई भी चीज़ फ्राई कर दीजिए। फ्राई करने के बाद मतलब आप 2-3 दिन 4 दिन उसमें ऑयल डाल के रखा रहने दीजिए, आपको जो भी ऑयल का काम है फिर फ्राइंग वाला वो कर लीजिए। उसके बाद वो एकदम नॉन स्टिक बन जाता है और मतलब एवरी यूज़ जब भी आप उसको यूज़ करें तो उसको बहुत रब करके ना वो यूज़, मतलब बहुत हार्डली उसको ऐसे नहीं यूज़ करें उसको नॉर्मली, क्योंकि वो उसके ऊपर से जब नॉन स्टिक बन जाता है तो सारी चीज़ अपने आप हट जाती है। उसको हल्के से धोएं, गरम करें और 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डालें और उसको अच्छे से पूरे उस पर रब करके उसको रख दें। फर्स्ट थिंग उस पर कभी जंग नहीं आएगा, सेकेंड थिंग आप जब भी उसको यूज़ करेंगे वो नॉन स्टिक फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो बेस्ट थिंग जो आयरन वाले कास्ट आयरन वाले प्रोडक्ट है उनको ऐसे ही यूज़ करना चाहिए, मतलब जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए और उनको नॉन स्टिक बनाने के लिए कि वो नॉन स्टिक ही रहेंगे हमेशा। ओके, तो ये कुछ टिप्स है जो कि हेल्प कर सकते हैं कास्ट आयरन को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, यूज़ करने के लिए। कोई कमेंट है तो फील फ्री टू पोस्ट इन वीडियो कमेंट सेक्शन, वी विल रेस्पॉन्ड ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।